गुरदासपुर जिले के नाल संबंधित पिंड भुले चक की जमपाल मनमीत कौर ने अमरीका दे विच पढ़ाई कर पहली सिख सहायक पुलिस चीफ बन के पंजाब का नाम रोशन किया। उथे पूरे इलाके के अंदर भी खुशी वाला माहौल पाया जा रहा। इस संबंधी जानकारी देंदे मनमीत के पिता ने दसिया कि वह खुद नेवी दे विच सेवा कर चुके ने अते उसकी धी शुरू तो ही फोर्स विच भर्ती होना चाहती सी अते पिस्तौल रखण दी शौकीन सी, जिस करके उसके शौक ने उसनू अज अमरीका दे विच असिस्टेंट पुलिस चीफ बना दिता है। उसका सुपना है कि हुण वो चीफ बने, जिस लिए वो मेहनत कर रही है। वाकई ना यह कह जा सकता है कि पंजाब दियां धीआं भी किसे नालों घट नहीं। तुसी की सोचते हो इस प्राप्ति बारे अपने कॉमेंट करके जरूर दस्यो। मैट्रिक करके नेवी चल गया सी, नेवी तो बाद मैं रिटायर्ड होया। मनमीत 1985 पैदा हुई सी ते बॉम्बे पैदा हुई सी, फिर इत्थे असी जलंधर मूव होए। इत्थे श्री गुरु रामदास पब्लिक स्कूल पैदा पढ़न लगी। उस तो बाद 1996 ये अमेरिका मूव हो गए मेरे नाल। उत्थे इन्हें स्कूलिंग की, स्कूल तो बाद इन्हें ग्रेजुएट की, क्रिमिनल जस्टिस ला किया, तो बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन कर गई। हुण वो पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बनी है, नाल ही वो मीडिया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनोलॉजी च अपनी मास्टर भी कर रही है। उन्हों पुलिस फोर्स लाइक करती सी क्योंकि मैं भी नेवी च सी, फिर साढ़ा एक रिलेटिव FBI च ही, तो शी वांट्स टू थोड़ा जहा जो किड्स उत्थे दे बच्चे से ना स्कूलों के, वो थोड़ा जहा सिस्टम होना दा अलग है, तो उन्होंने थोड़ा जहा इंप्रूव करना चाहती सी। अगे शी वांटेड टू बिकम ए चीफ कमिश्नर बन के, तो बाद च वो चाहती है भी यूनिवर्सिटी कितने जाए तो एज ए लैक्चर पढ़ावा, ना ही इधरों पेंशन लेगी उधरों पढ़ेगी, फिर वो बच्चे उत्थे अमेरिका दे विच जिहड़ा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हुंदा ते उहदे बच्चे सारी उम्र जिन्नी देर तक स्कूल उस यूनिवर्सिटी पढ़न वो फ्री पढ़ते हैं। मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि ये जिहड़ी खुशी है ना बर्दाश्त नहीं हो रही। किस ढंग ना कहां मैं कि जी करता है कि मैं खड़ी हो के बाहर उच्ची उच्ची कहां कि मेरी बेटी कमिश्न पुलिस चीफ बन गई है। तो जिन्ने भी धीआं मैं सारिया कट्ठिया करके उन्होंने मैं कह कि तुसी मोटीवेट होवो कि तुसी भी उपर उठो, कुछ बन के दसो, मैनू कुछ बन के दसो ता जे मैं तुहाडे ते भी प्राउड करा, सारिया ते तुहाडे पेरेंट्स प्राउड कर। सो ये खुशी जड़ी है ना ये दस नहीं सकती, खुशी बाहर नूं आंदी है, अंदर नहीं समांदी। सो इसे करके ते जे गुरुद्वारा साहब जाने हैं तो खुशियां मिलदियां, बधाइयां दिंदे है, जदों बधाइयां दिंदे है ते अहीं फुल फुल के पहाड़ हो जाने हैं। वाह पंजाब की धी हो इदा दी हो। हाँ उन्होंने की कुछ पूछा सुनो, उन्होंने मैरिज हुई 2007 उन्होंने दो बेटियां ने, एक छोटी है 5 साल की, बड़ी 10-11 साल। मनमीत उन्हें दो भैन भरा ब्रदर साइंटिस्ट है गए ने, तो उन्होंने मास्टर की सी कारगिल कंपनी है उसके विच काम करा। मनमीत का सपना है कि मैं जे
हूँ कमिश्नर बने होना सॉरी चीफ बने हैं, मैं अगे भी स्टेप अप हुआ, मैं अगे भी कुछ ना कुछ बना। सो फिर मैं जदों भी मैं पंजाब जावा मैं अपनियां भैनां नूं सारियां नूं मोटीवेट करा कि उठो पंजाब नूं तुहाडी लोड़ है। कदों पंजाब आ रहे हो? नैक्सट ईयर साडी कोशिश है कि नाल लैके आईए उहनां नूं। पंजाब बारे की गल्लां करदी है? पंजाब बारे ज़्यादा गल्लां उह पिंड बारे करदी है। पिंड च मैं सच्चू नाल इंदू नाल खेलदी सी ते मैनूं चाचा जी कहिंदे सी सारे जाने अपनियां बुक्स लैके बैठो पढ़ाई करो, ते मैनूं डर लगदा सी। फिर मैं कहा फिर डर ते लगदा सी पर पढ़ना पैंदा सी। पंजाब दीआं धीआं नूं मैसेज है कि वध तो वध पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो अगे वधोगे, पढ़ाई बिना कोई वैल्यू नहीं है। सो मेरा मैसेज है उन्हां दीआं मावां नूं भी कि अपनियां धीआं नूं मौका दो पढ़न वास्ते। ते मैनूं बहुत ज़्यादा खुशी है कि साडी धी जिहड़ी उन्हें पंजाब दा नाम रोशन किया, पूरे इंडिया दा नाम रोशन किया और अपने पेरेंट्स दा नाम रोशन किया। पिंड बारे वो बहुत हमेशा पिंड विच जदों आउंदी सी हर एक नाल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ईवन कि मझां नाल भी वह बहुत ज़्यादा प्यार करती सी। वह जो गाली करदियां सी उदों भी नाल देख के मूँह बना बना के गल्लां करदी सी, उदां ही जिद्दां ही वह करदियां सी उदां उन्हां दीआं रीसां लांदी हुंदी सी वी मझां इदां वी मझां वी इदां करदियां। इह कि तूं की कर रही है? कहिंदी मैं मझां दी रीस ला रही हां। पुलिस फोर्स जिहड़ी ज्वाइन करनी सी उन्हां ने ते वह रुझान किस तरह होया? पुलिस फोर्स दा किस तरह ध्यान सी उन्हां दे मन विच? वो शुरू तो वो चाचा जी बहुत उन्होंने कन्विंस करते भी तू पढ़ना वै, पढ़न तो बिना उन्होंने हमेशा वो बच्चों वो बच्चों प्रति बहुत स्ट्रिक्ट सी पढ़ाई के प्रति। उन्होंने कहना भी बच्चों पढ़ाना तो जे जरा कि उन्हें गलती करनी कहना भी तू इतने माड़ी जी भी गलती की उन्होंने गुस्से होना भी नहीं, बेशक तू अपने मम्मी पापा को कहना पर मैं तेन पढ़ा ही पढ़ा इतने भी रह गई साढ़े को थोड़ी देर। वो ब्रदर भी इतने साढ़े को 2 साल रहे, उन्होंने प्लस वन प्लस टू इतों की, बेटी भी छोटी क्लास इतने सी तो इतने ही साढ़े को रही है। तो बहुत ज़्यादा वो साडे नाल मिक्सअप रहिंदी सी, बहुत उहदा सुभाअ अच्छा सी। की अपील हैगी आ पंजाब दीआं? पंजाब दीआं तीआं नूं इह अपील है कि पिंडां विच उठ के तुसीं पढ़ाई करो अते मेहनत करो ते अपने पंजाब दा अपने देश दा नाम रोशन करो। मेरा नाम अंचित कौर है ते मैं मनमीत दी सिस्टर हाँ। तो जदों भी मेरी दीदी नाल गल हुंदी है वह हमेशा मतलब मैनू भी मोटीवेट करते हैं कि जिस तरह मैं इत्थे आर्मी दे विच मतलब पुलिस चीफ बनी हाँ तू भी इतना ही कर, तू भी मतलब पढ़ वध तो वध पढ़, हमेशा मैनू पढ़ाई लई मोटीवेट करते हैं। ईवन कि मतलब मेरे मम्मा नाल गल करते हैं तां भी कहिंदे ने कि चाची जी नूं रोकना नहीं, किसी भी चीज़ लई नहीं रोकना हैगा, जे होर पढ़ना चाहती है ये होर पढ़े अगे वधे। लाइक जिस तरह मेरी जॉब लगी वह कहिंदे इहनूं जॉब नहीं तुसीं इहनूं पढ़ाओ होर पढ़ाओ, मतलब हर एक चीज़ विच वह मोटीवेट करते हैं कि तुसीं भी अतरा ही पंजाब दा नाम रोशन करो। हाँ जी वो बहुत हैल्प करते हैं, ईवन कि वो मतलब मैनू ये मोटीवेट करते हैं कि तू साडे कोल आ जा आप तेरा उत्थे भी करते हैं। वो हमेशा हर हर मतलब मूवमेंट के उत्ते मेरी हैल्प करन दी कोशिश करते आ, पढ़ाई दे विच होए चाहे वो मतलब वो मैनू दसते हैं कि तू कि जे इत्थे मतलब तू पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है तो कि तरह कर या अमेरिका आना है तो किस वे नाल आ, जिस तरह आप अजकल देखते लोग डोंकी राही जाते बट वो मैनू मोटीवेट करते हैं कि तू सीधे रस्ते आना है तो इतने आके भी अपना नाम कमाना है। किन्नी खुशी मिली जो सिस्टम का पता लगा कि वो चीज़ बन गई? सानू बहुत खुशी हुई, इट इज़ अ प्राउड मूवमेंट, साड़ी सारी फैमिली लिए बहुत प्राउड मूवमेंट आ, आप सारे कट्ठे रहने साडा वेड़ा भी सांझा है तो सानू बहुत प्राउड फील हो रहा कि दीदी हूँ बस सानू ये वेट है कि दीदी इतने इंडिया आन तो आप उन्होंने मिलिए। गलबात ये कदों आ रहे हैं? उन्हों का प्लैन है नैक्सट ईयर आने का, उन्होंने आना सगा हूँ अपने पेरेंट्स के नाल बट फिर उन्होंने ओथ सैरेमनी से करके थोड़ा लेट हो गए।